हेलो एवरीवन, सो टुडे क्लास टू जीके वी विल स्टडी अबाउट द टाइप ऑफ प्लांट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अवर नेचर एज दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। दे आर द लिविंग थिंग्स, दे कीप द एनवायरमेंट सेफ एंड क्लीन। प्लांट्स आर अवर फ्रेंड्स, वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम देम। प्लांट्स हमारे दोस्त भी होते हैं जिनसे हम बहुत चीज़ें लेते हैं, लाइक रबर, वुड, कॉटन, स्पाइसेस, पेपर एट्सेट्रा। क्लियर? सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सम हैव सॉफ्ट स्टेम्स वाइल अदर हैव हार्ड एंड वुडी स्टेम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टडी अबाउट श्रब। एज वी ऑल नो इन हिंदी वी कॉल झाड़ी। क्लियर? श्रब को बोलते हैं झाड़ियाँ। क्लियर? श्रब्स आर वुडी प्लांट्स विद मल्टीपल स्टेम्स एंड आर जनरली स्मॉलर देन ट्रीज। श्रब्स क्या होते हैं? एक वुडी प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम्स वुड से बनती हैं और बहुत सारी स्टेम्स होती हैं, मल्टीपल स्टेम्स, एंड दे आर जनरली स्मॉलर देन ट्रीज। ट्रीज से छोटे होते हैं, पेड़ों से छोटे होते हैं। देयर हाइट यूजली रेंजेस बिटवीन 6 मीटर टू 10 मीटर टॉल। ऑल्दो स्टेम्स आर हार्ड, स्टेम्स हार्ड होती हैं बट दे आर फ्लेक्सीबल बट नॉट फ्रेजाइल। रोज, जैस्मिन, लेमन, तुलसी, हेना आर सम ऑफ द कॉमन श्रब्स अराउंड अस। क्लियर? और भी एग्जाम्पल्स होते हैं श्रब्स के, लाइक लेमन, रोज, बॉक्सवुड, जैसे कि हम पिक्चर में भी देख रहे हैं रोज फ्लावर। क्लियर? तो रोज फ्लावर कहाँ ग्रो करता है? श्रब्स पे। क्लियर? नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट, दैट इज ट्रीज। ट्रीज सबको पता है, पेड़। ट्रीज आर अ टॉल प्लांट विद अ ट्रंक एंड ब्रांचेस मेड ऑफ वुड। ट्रीज कैन लिव फॉर मैनी ईयर्स। आप सबको पता है ट्रीज बहुत पुराने पुराने साल भी पुराने होते हैं, काफ़ी साल पुराने हमने देखे भी हैं, जो काफ़ी हजारों साल पुराने भी होते हैं ट्रीज, बट वो ग्रो करते जाते हैं। द फोर मेन पार्ट्स ऑफ ट्रीज आर द रूट्स, ट्रंक, ब्रांचेस एंड लीव्स। ये मेन फोर पार्ट्स है ट्रीज के, रूट्स, ट्रंक, ब्रांचेस एंड लीव्स। द रूट्स ऑफ अ ट्री आर यूजली अंडर द ग्राउंड। ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो ग्राउंड के बहुत अंदर तक होती हैं, दे आर अंडर द ग्राउंड। Trees and shrubs are both woody plants. Trees contributes to their environment by providing oxygen, improving air quality, conserving water and preserving soil etc. Trees हमें बहुत चीज़ें एक environment को वो देता है। क्या देता है? Oxygen देता है, improving air quality, हमारी हवा को साफ करता है। Clear? हमारी जो हवा होती है उसको भी साफ करता है। Trees provide shade and shelter, timber for construction, fuel for cooking, fruit for food as well as having many other uses. आप सबने देखा trees के कितने uses होते हैं। trees हमें wood भी देता है, shade भी देता है, shelter भी देता है, fuel for cooking भी देता है, खाना पकाने के लिए भी काम आते हैं। तो trees के बहुत uses हैं, बहुत important होते हैं trees हमारी life में। The main important trees supplies us with some amazing resources from its material like wood, which we use to create for making furniture. Clear? Trees actually provide us with many more useful everyday items. Now let us learn about the third type of plant, that is herbs. सब आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, कोरिएंडर लीव्स दिख रही हैं, सबको दिख रही हैं। आप सब नोन हैं कोरिएंडर लीव्स के, क्या होते हैं कोरिएंडर लीव्स। हम लोग इसके सीड्स को भी खाते हैं, वी ईट सीड्स ऑल्सो एंड वी ईट इट्स लीव्स टू। हम इसके लीव्स भी खाते हैं और सीड्स भी खाते हैं। कोरिएंडर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हर्ब। नाउ लेट अस लर्न व्हाट इज हर्ब। हर्ब्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स हूज स्टेम्स ग्रो अबव ग्राउंड एंड आर नॉट वुडी। क्या होते हैं हर्ब्स? जो ग्राउंड से ऊपर ग्रो करते हैं और वुडी नहीं होते हैं, सॉफ्ट स्टेम्स होती हैं इनकी। आप लोगों ने सबने देखा होगा कोरिएंडर लीव जब हम लेके आते हैं वो बहुत इजीली टूट जाती हैं, क्योंकि उनकी सॉफ्ट स्टेम्स होती हैं। एनी प्लांट विथ लीव, सीड्स और फ्लावर्स यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग फूड, मेडिसिन और परफ्यूम, दैट इज़ कॉल्ड हर्ब्स। किसी भी चीज़ को फ्लेवर देने के लिए, फूड,
या मेडिसिन बनाने के लिए या परफ्यूम बनाने के लिए क्या काम आते हैं? हर्ब्स काम आते हैं। एनी सीड्स बेयरिंग प्लांट्स दैट डज नॉट हैव अ वुडी स्टेम एंड डाइव डाउन टू द ग्राउंड आफ्टर फ्लावरिंग। क्लियर? द मेन इम्पॉर्टेंट, सबको ध्यान से सुनना है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बनाना प्लांट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हर्ब। आप सबको पता होना चाहिए ये चीज़, जो बनाना प्लांट है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हर्ब है। क्लियर? और भी हर्ब्स होते हैं लाइक सिनेमन, क्लोव, नटमेग, पेपर, कार्डमम, ये सब हम लोग क्या यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में? यूज़ करते हैं एज अ स्पाइसेस, जो हम अपनी खाने में डालते हैं, फूड में डालते हैं स्पाइसेस को। तो ये स्पाइसेस कहाँ से मिलते हैं हमें? इन्हीं हर्ब्स से मिलते हैं। इन जनरल हर्ब्स आर प्लांट्स विथ सेवरी और एरोमेटिक प्रॉपर्टीज दैट आर यूज फॉर फ्लेवरिंग एंड गार्निशिंग द फूड फॉर मेडिसिनल पर्पसेज और फॉर फ्रेगनेंस। सबको समझ आया हर्ब्स के क्या यूजेस होते हैं? गार्निश करने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए एंड फॉर परफ्यूम्स। और भी एग्जाम्पल्स हैं हर्ब्स के, ग्रास, स्पिनच, कॉरिएंडर, मिंट, ऑरिगैनो, रोजमेरी एटसेट्रा। क्लियर? हर्ब्स आर शॉर्ट प्लांट्स विद ग्रीन डेलिकेट एंड टेंडर स्टेम्स, दे मे हैव नो और लेस ब्रांचेस। क्लियर? देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 75 to 100 टाइप्स ऑफ हर्ब्स आर देयर इन नेचुरल साइंस ऑफ लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। क्लियर? 75 to 100 टाइप्स ऑफ हर्ब्स हैं हमारे मेडिसिन लाइब्रेरी में। क्लियर ऑल ऑफ यू? सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट क्लिम्बर। क्लिम्बर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लांट। बेसिकली दे टेक द सपोर्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर क्लिम्बिंग। ठीक है, इसको सहारा चाहिए होता है अपने आप को ग्रो करने के लिए। ये जो प्लांट होता है बिना सहारे के ग्रो नहीं हो सकता। क्लिम्बर्स आर प्लांट्स विद वीक स्टेम्स, दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट एंड नीड सपोर्ट टू ग्रो। इनको सपोर्ट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। दे मस्ट क्लिम ऑन अदर प्लांट स्टिक्स और वॉल्स टू ग्रो, एग्जाम्पल पी, मनी प्लांट, बीन्स एट्सेट्रा। सबके घरों में मनी प्लांट्स होते हैं, सबने देखा होगा। मनी प्लांट्स के बीच में एक स्टिक होती है जिसके आसपास वो लोग वो ग्रो करते हैं, उसकी स्टेम्स ग्रो करती है, रोल होती जाती हैं, आपने सबने देखा होगा। क्लिम्बर्स आर बेसिकली वीक और स्टेम प्लांट्स दैट डिराइव सपोर्ट फ्रॉम क्लिम्बिंग अप ट्रीज एंड अदर टॉल ऑब्जेक्ट्स। मैनी ऑफ देम आर वाइन्स हूज स्टेम आर ट्विन अराउंड ट्रीज एंड ब्रांचेस। दे यूज स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड टेंड्रिल्स टू क्लेम ऑन ट्रीज, एग्जाम्पल आर पी प्लांट्स एंड मनी प्लांट्स। इसमें बुक में भी दिया हुआ, देखिए, क्लिम्बर्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड टेंड्रिल्स टू क्लेम ऑन डिफरेंट थिंग्स। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द लास्ट टाइप ऑफ प्लांट, दैट इज क्रीपर। क्रीपर्स आर प्लांट विद वीक स्टेम्स, इनकी बहुत वीक स्टेम्स होती है, दैट ग्रोज अलॉन्ग द ग्राउंड अराउंड अनदर प्लांट और अप अ वॉल by means of extended stems that can neither stand erect nor support all of its weight। ये अपना भार खुद नहीं सह सकती, इसकी stems बहुत weak होती हैं, they are soft stems। तो इनको किसकी ज़रूरत होती है? या तो किसी wall की, या ground की, या किसी plant की, another plant की, इसको grow करने के लिए। देखिए, आपने देखा है इस picture में, ये flowers तो grow कर रहे हैं, stems grow कर रही हैं, but इनको सपोर्ट चाहिए। अगर इनको सपोर्ट मिल जाएगी तो ये अपने आप को बहुत इरेक्ट करती जाएंगी, एक्सटेंड करती जाएंगी दूर दूर तक। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रीपर्स। इसके एग्जांपल्स होते हैं स्वीट पोटैटोज एंड पम्पकिंस। क्लियर ऑल ऑफ यू? सबको ये टाइप्स ऑफ प्लांट समझ आए, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड क्लियरली। थैंक यू सो मच।